हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 में सरकार आने के बाद में सबसे ज़्यादा फोकस उनका जो है वो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और हमारे सारे भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं सभी विभाग के मंत्री उनका जो फोकस है वो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर है और वहाँ जाके चाहे वो शिक्षा हो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो कम्युनिकेशन हो उच्च शिक्षा हो ये सभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कैसा होगा और यहाँ का जो पोटेंशियल है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वहाँ पे प्रकृति ने कुदरत ने बहुत यहाँ पे एक वरदान है और इसको टैप करना है यहाँ का जो स्किल है उसको भी बढ़ाना है उसका मार्केटिंग वहाँ पे और थोड़ा सा कुछ प्रशिक्षण देके उनको ये करना है वो आज का जो मेरा प्रोग्राम है उसमें तो मैंने यहाँ का जो केंद्रीय विद्यालय है अगरतला NIT प्रीमाइसेस में वहाँ विजिट की तो 2010 में वो शुरू हुआ था और 9 साल में वहाँ का जो प्रोग्रेस है मुझे बहुत ही अच्छा लगा ऑलराउंड डेवलपमेंट वहाँ पे हुई और ये जो NIT है इसको भी पहले यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज था गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और उसको भी मुझे लगता है कि 13-14 साल इसको हुए तो एक जितने भी हमारे NIT है उसमें एक अच्छा NIT यहाँ का है और उसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं सिविल मैकेनिकल इंजीनियर तो इंजीनियर सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ये 3 ब्रांचेस ही यहाँ पहले थी तो उसमें फिर प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग बाद में भी बायोटेक्नोलॉजी केमिकल इंजीनियरिंग ऐसी कई सारे ब्रांचेस यहाँ पे शुरू हुई और 4000 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं और इसके बाद में हमारे संबंधित जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन इसके अंतर्गत जो विभाग आते उसमें हमारा STPI है बाद में NIT का जो काम है तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे आया हूँ और बाद में हमारा डाक विभाग BSNL DOT उनके अधिकारियों के साथ भी हमारी मीटिंग है तो इस तरह से यहाँ का जो काम है उसको उसकी क्षमता बढ़ाना उसको और सुचारू ढंग से चलाना ये हमारा उद्देश्य है।